सो गाइज वेलकम बैक। आज डे टू है और हम लोग जा रहे हैं आगरा की सबसे ब्यूटीफुल प्लेस को देखने, ताजमहल को। तो डे सेकंड है, हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं जहाँ पे हम लास्ट नाइट स्टे किए थे। वहाँ से चलिए मैं आपको गूगल मैप के थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ से 7.4 किलोमीटर है। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं यमुना रिवर के पास में। ये रेड फोर्ट है, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। चलिए आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। आई होप कि आपको ये वाला जो सीरीज है ये पसंद आए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा। वो देखिए वो हमारी डेस्टिनेशन है, हमारा प्यारा सा ताज। क्योंकि मैं कार के अंदर हूँ, वो है ताजमहल, हमको वहां पे जाना है। चलिए बस चल रहे हैं, बस कुछ पल की और दूरी है ताज के साथ। सो फिलहाल तो भाई लोगों बात कुछ ऐसी है कि धूप बहुत ज्यादा तेज है, कार पार्किंग में लगा दी है, ताज की तरफ जा रहे हैं। कार को आप पार्किंग में लगा के यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू जा सकते हैं। तो पीछे मेरे इलेक्ट्रिक व्हीकल है और ये भैया लोग जो हमारे साथ में हैं। और फिलहाल तो ताज का टिकट भी ऑनलाइन बुक हो रहा है और साथ में ही ताज के जो पार्किंग प्राइसेस हैं ये भी आप ऑनलाइन ही पे करते हो। तो थोड़ा ऑनलाइन आप अपडेटेड होके आना यहाँ पे। चलिए चलते हैं, गाड़ी हमने पार्क कर दी, पीछे गाड़ी है। तो भाई लोगों बात कुछ ऐसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल चुका है, हम तीनों लोग बैठे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जा रहा है ताज के लिए, पीछे पार्किंग है। गाइस सीन कुछ ऐसा है, कुछ माहौल चेंज हो गया, ट्राइपॉड हमारा जमा हो गया है, ट्राइपॉड अलाउ नहीं है, लेदर की चीज़ें आप नहीं है ला सकते हैं अंदर, वॉलेट में भी लिमिटेड सामान ही ला सकते हैं। ताज के अंदर एंट्री हो चुकी है, हम लोग पीछे से अपनी चेकिंग करा के बाकी बार कोड स्कैन करा के अंदर आ चुके हैं। ताज के अंदर अभी हम पहुँचे नहीं हैं, अभी हम लोग जस्ट इंटर हो गए हैं रेड गेट के अंदर और आगे जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, पूरा दिखाते हैं आपको। बाकी एक नया रूल निकाला है कि जो टिकट आपका वैलिड रहता है वो बस 3 आवर्स के लिए वैलिड रहता है। बार कोड स्कैन होता है, 3 आवर्स के लिए टिकट वैलिड रहता है, उसके बाद 3 घंटे के अंदर आपको बाहर जाना पड़ता है वरना पेनल्टी लगती है। वो देखिए पीछे है ताज हमारा प्यारा सा, और ये है मेन एंट्री गेट। ये जो मेन एंट्री गेट है इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये पूरे 22 स्तंभ हैं, 11 आगे की तरफ हैं और 11 पीछे की तरफ हैं। ये इंट्रोड्यूस करते हैं, ये दिखाते हैं कि पूरे ताजमहल को बनने में 22 ईयर्स का टाइम लगा था। एंट्री गेट हम लोग चल रहे हैं अंदर, और बाकी एक फैक्ट है, ये जो बीच में मेन गेट है इससे अगर आप ताज को देखेंगे तो अभी तो आपको ये बहुत पास में दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं तो ये आपको दूर दूर दिखने लगता है। सो गाइज आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ ताज के बारे में। जो आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे जो ये गार्डन्स हैं, ये यहाँ पे पूरे 16 गार्डन बने हुए हैं, और साथ में इसके जो आप ये फव्वारे देख रहे हैं, ये फाउंटेन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे 48 फाउंटेन बने हैं। ये दोनों मिलके ये बताते हैं कि ये जो ताज था ये 1648 में बन के कम्प्लीट हुआ था। तो इसलिए दोनों को हम मिक्स करते हैं तो 1648 आता है हमारे सामने कि तब ये बना था। और क्या इसमें चेंजेस किया गया, जो ये फाउंटेन बने इनकी बस टेक्नोलॉजी को चेंज किया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर लगाया गया, बाकी सब पुराना। गाइस ये जो 4 पिलर हैं जो आप देख रहे हो ताजमहल के चारों साइड में बने हुए हैं, ये जो पिलर्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये हल्के से बाहर के लिए बेंड है। ये इसलिए बेंड किए गए हैं, तभी से जब से इनको बनाया गया तब से ही बेंड है, इसलिए बेंड किया गया। मान लीजिए इन फ्यूचर कभी भी कोई भूकंप आता है तो ये जो इसके पिलर्स हैं ये अंदर की जगह ना गिर के बाहर की तरफ गिरेंगे। कभी भी भूकंप आएगा तो ये जो ताजमहल के पिलर्स हैं चारों ये बाहर की तरफ ही गिरेंगे, अंदर कभी नहीं गिरेंगे, ताकि जो मेन डोम है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उस मेन डोम को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। चीज़ है आज गर्मी बहुत है, अबाउट 38 डिग्री टेम्परेचर है, और हम लोग बिल्कुल इस धूप के अंदर ताज को एक्सप्लोर करने आए हैं। बहुत ज़्यादा ही धूप है, मौसम बहुत ज़्यादा ही गर्म है। पीछे देखिए मेन गेट है जिधर से हम लोग इंटर हुए थे, और हमारे पीछे ताजमहल है, हम जा रहे हैं ताज के पास। तो अगर ये देखिएगा ये जो है ये वाइट मार्बल का एक कोट है जो कि बिल्कुल बीचों बीच में है, सेंटर में है। ये वाइट कोट इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब ये ताजमहल का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता था तो शाहजहाँ आके यहीं पर बैठते थे,
और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन वर्क देखते थे और जो भी चेंजेस कराने होते थे वो इसी से कराते थे। बैक साइड में ताजमहल है और इधर साइड में हमारा गेट है ताजमहल का, मतलब ये एंट्री गेट नहीं है, यहाँ पे हमें शाहजहाँ की बेगमें बैठती थी तो उनके हिसाब से दो गेट बनाए गए हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो ये मेरे राइट साइड में है, बाकी दूसरा वाला मेरे लेफ्ट साइड में है और ये ताजमहल है, आई मीन टू से ताजमहल के लेफ्ट साइड में, उधर साइड में दिया गया है वो गेट। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ही गर्म है। सो गाइस ये देखिए, ये कुछ बेसमेंट्स बने हैं, ये सीधे ताजमहल के अंदर जाते हैं, बताते हैं इसमें के कई सारे बेसमेंट्स ताजमहल के अंदर बने हैं और ये तो ओपन रूट है तो सबको दिख जाता है कि यहाँ से रूट है, कई सारे ऐसे बने जिनका रूट नहीं दिखता है। आर्किटेक्ट डिज़ाइन है कि आप किसी भी एंगल से देखोगे इसे ये आपको सेम ही दिखेगा। और ये यमुना जी है मेरे पीछे, बाकी पीछे वो मेहताब बाग है, वहीं पर ही फिल्मों की शूटिंग होती है। ताजमहल जो है वो वहाँ पर ब्लैक ताजमहल बनवाना चाह रहे थे लेकिन उनके जो सन थे औरंगजेब, उन्होंने उनको कैद कर दिया था पीछे रेड फोर्ट में। रुकिए मैं देखता हूँ, वो देखिए वो रेड फोर्ट है, आगरा का रेड फोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने उनको कैद कर दिया था। यहाँ कुछ ऐसी है, पूरे 3 किलोमीटर से ऊपर हम लोग चल चुके हैं, पूरे ताजमहल को एक्सप्लोर कर चुके हैं रेस्ट थोड़ा करने के बाद, अब एग्जिट गेट की तरफ जा रहे हैं। और अगर एग्जिट गेट से पहले मुझे कुछ मिलता है इंटरेस्टिंग सा तो मैं ऐड करूंगा इस वीडियो में। बाकी आप बताना मुझे कमेंट करके कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं। चलिए बताइएगा कैसा लगा आपको ये ताजमहल वाला ब्लॉग, मिलते हैं आगे। तो हम लोग एग्जिट में आ चुके हैं, ये देखें इससे हम इस गेट से हम लोगों ने एंटर किया था अंदर और जा रहे हैं अब कार पार्किंग। देखिए हमारा प्यारा ट्राइपॉड आ गया है, ले आए ट्राइपॉड, चलिए हम भी चलते हैं आगे।